खाटू श्याम बाबा को तीन इत्र क्यों चढ़ाए जाते हैं? इत्र का क्या महत्व है? बाबा श्याम इत्र चढ़ाने से प्रसन्न क्यों होते हैं? सुनिए स्वयं कन्हैया मित्तल जी के द्वारा। जय श्री श्याम। उम्मीद करती हूँ आप और आपका परिवार स्वस्थ और कुशल मंगल होगा। बाबा श्याम की कृपा सदा आप सभी श्याम भक्तों पर बनी रहे। दरबार में जाना, इत्र कभी किसी बंदे पे मत चढ़ाना, इंसान पे इत्र दरबार में, अपने घर लगा के आओ, कोई दिक्कत नहीं, किसी इंसान पे मत लगाना। इत्र के हकदार सिर्फ दो लोग, एक श्याम बाबा और दूसरा उसका पुजारी। पुजारी भी क्यों? क्योंकि उसको बाबा को इत्र लगाना होता है, इसलिए उसके हाथ पे लग जाता है, इसके अलावा और हकदार नहीं है। काम बनवाना हो तीन शीशी लेकर जाना, दो चढ़ा देना, तीसरे का ढक्कन खोलते रहना। ओ बाबा फैक्ट्री लगाई है, बाकियों से महंगा माल बिकना चाहिए। ओ बाबा छोरे का ब्याह करना है, माल ज्यादा होना। ओ बाबा कोठी बना रहा हूं 800 गज का होना, भजन में कन्हैया मित्तल होना। हाँ, और जैसे ही बात पूरी हो जाए ढक्कन बंद। बाबा बोलेगा ये क्या किया, बोलना जैसे दो चढ़ाया ना, काम पूरा हो जाएगा, ये भी चढ़ा दूंगा। आप सभी श्याम प्रेमियों से निवेदन है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा श्याम प्रेमियों तक पहुँचे। उम्मीद करती हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो कमेंट करके बताना न भूलें। अगर और कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट कर सकते हैं। हारे का सहारा बाबा श्याम, हमारा जय श्री श्याम।